मैं हमारी चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ। आज से इसका नाम अलिया का व्लॉग्स नहीं है भाई। तुम आप कर रहे थे सर बताओ। खैर इससे पहले कि मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे गोली से उड़ा, मुझे उसके सवाल का एक जवाब देना। कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर लिखना, ठीक है। सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक से होगे, खैरियत से होगे, मजे में होगे। आज 16 अगस्त है और लिटरली मुझे भूल गया था कि मेरी आज तारीख है। मुझे बेकी के पापा ने याद दिलाया, मम्मी को भी भूल गए, टोक्यो को भी भूल गए, और क्या बोलते जो मेरा दोस्त जिगरी यार वकील हुसैब है उसको भी भूल गए। जल्दी से भाई निकलना है वरना तो खराब हो जाएगा। ये पानी भर रहा हूँ, कुत्ते बंद करने होते हैं ना। मारियो, मारियो इधर ही है। लूसी, लूसी भी इधर ही है। तुम लोग जो अच्छी कुत्ते हो गए, ओबीडियंट। हाँ चलो बाय बाय। इनको मैं पानी पता है क्यों लाता हूँ, ये पानी से डरते हैं, जंपे वंपे मारते हैं। जल्दी से निकलते हैं वरना खलास हो जाएगा मेरा। मम्मी बाय, मैंने कुत्ते बंद कर दिए, मैं जा रहा हूँ। मेरी तारीख है आज, ओ मुझे खुद याद नहीं था। ओ मुझे तुमने बताया 16 अगस्त बोला तो था। गाड़ी से जाओ? नहीं नहीं बाइक से कम टाइम लगता है, गाड़ी से बहुत टाइम लग जाता है। भाई तुम वहां पे पेशाब कर रहे थे सर बताओ। मैंने लिटरली इनको खुद देखा था टॉयलेट करते हुए। बात यार यही मुझे इन लोगों का गंदा लगता है। खैर छोड़ो यार, जाने दो। तुम्हें हिंदुस्तान के कोने कोने में नंबर प्लेट देखने को मिलेगा, बस कश्मीर है ना देखो नंबर प्लेट ही नहीं है। मतलब गाड़ी पुलिस की है तो क्या हुआ, नंबर प्लेट तो होना चाहिए ना भाई। तो पेशी मैंने दे दी, जज साहब आज लीव पे थे तो उनके जो बिहाफ पे बैठे होते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरी पेशी ली। एंड एक चीज़ आज मैंने पहली बार सीखी जो मुझे पता ही नहीं थी, कि जब क्लास में टीचर एबसेंट होता है तो बच्चों की अटेंडेंस नहीं होती है, लेकिन कोर्ट में अगर जज साहब एबसेंट है और मैं मुलजिम हूँ तो मेरी अटेंडेंस बराबर होगी। फिलहाल मैं जाता हूँ, थोड़े बाल वाल कटवाता हूँ और बेकी के पापा को छोड़ता हूँ। बेकी के पापा भी यहीं पर भी मिलने वाला है, ठीक है। देख लो ये कोर्ट की सारी तस्वीरें तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, अली आगा व्लॉग अपने चैनल। बेकी के पिताश्री आइए अंकल, चलिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो ये थे बेकी के पापा। एंड देख लो ये सामने जितनी भी बिल्डिंग्स तुम लोगों को देख रही है ना, इधर ये सारी प्रेस कॉलोनी है, जितने भी यहाँ पे मीडिया आउटलेट्स हैं, पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स लोकल, वो सब यहीं पर है। तो मुझे अभी याद आया मुझे स्टड लेना था, तो स्टड की भी यहाँ पे ही सामने शॉप है, वो स्टड ले लेता हूँ यार, बहुत दिनों से नहीं लगाया। कान का छेद बंद हो जाएगा वरना लाला। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रखा, ये ला एक और ये सिक्योरिटी के लिए दूसरा, और एक चेन भी ले लेते हैं। क्या ले भाई? बस भाई बढ़िया, ठीक और बस ये चाहिए था मुझे। तो भाई शुक्रिया, बाकी ठीक हो, घर पे सब बढ़िया? तो ये हमने ले लिया एक जुल्फिकार वाली चेन जो मैं हमेशा से लगाता हूँ, देखो यहीं से लेता हूँ। ये घंटाघर जो है वो आपका राइट साइड से, एंड ये यहाँ पे ये मार्केट है, देखो वहाँ से वो क्लॉक टावर दिखेगा, ये मार्केट दिखेगी, इधर ही से मैं ये लेता हूँ। ये जुल्फिकार वाली चेन है और ये दो स्टड ले लिया। तो कोर्ट से विदा लेके अब मैं आ गया हूँ हेडजोन। हज़ार बार तुम लोगों को दिखाया है लेकिन तुम लोगों में से कोई इधर आता ही नहीं है, ऐसा क्या है? 10% ऑफ देगा ये। क्या ले काशिफ? बस बढ़िया। सबसे अच्छे बाल लगते हैं कटवाने से पहले। तो घर में आ गया, एक बार देख लो बाल तुम्हारे भाई ने कटवाए, आए वो अच्छे नहीं लग रहा हूँ वैसे, अच्छा तो लगता ही हूँ यार। खैर ये स्टड और ये चेन भी मैंने लगा ली है, इन दोनों चीज़ों को ना मैंने बहुत मिस किया था। खैर इससे पहले कि मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे गोली से उड़ा दे, मुझे उसके सवाल का एक जवाब देना है, क्योंकि इसने सवाल किया था और उसके अगले व्लॉग में इसने उस सवाल के ऊपर सवाल किया था कि मैंने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। तो इससे पहले मैडम तलवार लेकर आ जाए तो अपनी जान भी बचानी है। सवाल क्या है लोन फरजाना ने, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर डॉग्स?
तो फरजाना, अगर तुम मेरे ये वाले कुत्तों की बात करियो तो मारियो को लगभग 4 साल हो गए हैं, लूसी को लगभग 2 साल हो गए, लेकिन लूसी मारियो से उम्र में बड़ी है क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तब मैंने अपने दोस्त को दी थी, फिर बाद में वापस ले ली थी। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कुत्ते कब से पाल रहा हूँ, तो मेरा जो पहला कुत्ता था वो था प्री नर्सरी में, जिसका नाम था जॉर्जी, वो फीमेल थी। एंड उसके बाद मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और कुत्ते पाले थे, जिसमें लकी, लूसी, दूसरी लूसी, लीसा, चैम्प और रॉकी था। ठीक है, तो ये रही मेरे कुत्तों की बात। अब बात करते हैं एक बैड न्यूज़ की जो मेरे पास तुम लोगों के लिए। देखो, बैड न्यूज़ ये है कि मैंने एक ट्रिप प्लान की थी करबला की। मैं चाह रहा था कि मैं तुम लोगों को अरबाइन, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग होती है करबला में, जो कि 10 मुहर्रम के 40 दिन के बाद होती है, यानी कि 20th ऑफ सफ़र को होती है, वो तुम लोगों को मैं दिखाता। और उसके अलावा भी मैंने बहुत प्लान किए थे लेकिन वो नहीं हो पाया। मैंने वीज़ा करा दिया था, मैंने टिकट करा दिया था, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन क्योंकि मेरे कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि अब मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो जब मैंने खुद न्यूज़ सुनी, मैं उसके बाद भी बीच में जाना चाह रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि केस चल रहा है, एंड केस के दम पे मैं ऑर्डर लाकर एग्ज़ाम अगर दे रहा हूँ तो उस एग्ज़ाम को देना उस एक खुद में अपने आप में एक नियामत है और उसको मिस करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मेरी टिकट भी गई, मेरा वीज़ा भी गया, लेकिन जिस बात का दुख है वो ये कि वो ट्रिप चली गई यार। तो मैं काफ़ी उस चीज़ को लेके सदमे में था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं ना, वही चीज़ है, कुछ हम लिखते हैं कुछ वो लिखता है, और जो वो लिखता है उसका भी कुछ ना टिकता है। एंड जो एक और बड़ी बात मैं तुम लोगों को पूछने वाला हूँ वो ये कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं ना इंटरनेट पे जिनको मैं देखता हूँ मन करता है अपनी बाल उखाड़ के फेंक दूँ, तो तुम लोग मुझे बताओ इनके ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर लिखना, ठीक है। एंड जो लास्ट की अनाउंसमेंट तुम लोगों के लिए है वो ये है कि मैं हमारी चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ, आज से इसका नाम अली आगा व्लॉग्स नहीं है, सिर्फ अली आगा, ठीक है। तो बाकी आज का दिन इतना ही था, अगर तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपना ख्याल रखो और दुआ में याद रखो।